पिताजी को पहुंचल भेजा है टीका लेकर के, आज तक पता नहीं है वो क्या कर रहा है, कौन किले में टीका चढ़ाया नहीं चढ़ाया, अब तक के समाचार तक के नहीं ला सका। ठीक है, चलता हूँ मैं पिताजी को पास। बेटे ये क्या हाला? बेटा पिताजी ये बताओ तुम्हारा टीका बताओ टीका लेकर गया था बेटा? हाँ पिताजी। तुम ऐसा उदासी क्यों आया है? सुनिए पिताजी, आज जुलम गुजार गेल पिताजी, आज परल हो गए पिताजी, जुल में गुजर गए प्रलय हो गए त्याल चार क्या भगवान, तेरे बाला तेरे कोई
पिता साहब को अत्याचार किया है? हाँ, राह रोक लिया था बेटा? हाँ पिताजी। मेरे कह सुनाओ। मैं सभी लोग गया टीका लेके। अच्छा, दिल्ली पति पृथ्वीराज चौहान के पास सभी लोग गया टीका लेके। क्या स्वीकार नहीं किया था? कोई नहीं स्वीकार पिता। क्या ये कामना किला में तुम घूम गया? हाँ घूम गया। लेकिन कोई स्वीकार नहीं किया? कोई स्वीकार नहीं किया। फिर भी क्या बीता बेटा? मैं जंगल की ओर आ रहा था। अच्छा, और आज मोहब्बत करने वाला था पिताजी, लेकिन सुनिए जोर बला जोर पिताजी आज कल कैसे कवा चढ़ाई जंगल की ओर उसने आया था शिकार करने के लिए, लेकिन रास्ता में दोनों से मुलाकात हो गया। अच्छा। तो पर्चे लिया और पर्चे दिया पिताजी, पूछा कि किस कारण से जा रहे हो, किस कारण से आए हो। मैंने कहा कि मेरा जोग जवान एक बहन हो गया है। अच्छा। उसी के लिए मैं टीका लेके जा रहा हूँ। लेकिन उसने कहा कि हमारा भाई देवा अभी तक कुंवारा है, उसी पर टीका चढ़ा दे। हो मैं नकार पिताजी गईली जंगला में हो गए जूठा पिता पिताजी। क्या तुम्हारा हार हो गया? हाँ पिताजी। अरे काहेला जन्म मारे ले मारे अरे मैया रे बखिया में अरे पिताजी दिन दिया है पिताजी। अरे सब ही के सिरवारे बेटा रे अरे तातवा रे अरे सिरवार जटानी देवल इंदल गढ़वा मेरे याद अरे टिकवा चढ़ैला रे जा तेरे
इंद्रगढ़ में बरात आएगा बेटा, अगर सभी का सर लगा करके इंद्रगढ़ में टांग नहीं दिया तो फिर बेकार है। पिताजी चढ़ा लिया है बाद अपने मस्ती ले बिन खरेद खरेद के मरा वही पिताजी आज उजियाल हरुदलक आहो हमारा सजोली बड़ा जोरी टिकवा ले लकई चढ़ाए खरेद खरेद के मार बनी है। आने दो आने दो आने दो आने दो आने दो के आज से अठवें दिन का टाइम दिया टाइम दिया है अठवें हाँ आने दो आने दो आने दो उसका मारेंगे कुत्ते की तरह आने दो उसे शांत रहो बेटा शांत रहो आने दो उसका कुत्ते के खरीद खरीद के मारूंगा मारूंगा चलो चलो भाई सरदार भाई मलखान भाई रुदल समय हम लोग सभी भाई मिलकर और राजन को 8 दिन का दिया है। हाँ भाई तो पहले खबरिया भैया आए रुदल कर दराज बनारस में चाचाजी को हमारी खबर जाकर दो अगर जो हम जाइए हमने यहाँ से चल चुकी चढ़ान कर दिली और रास्ता में बोला लिए कोई पेड़ तर तो नहीं बोलिया बोला कर लाओ बोला वही बना अरे जानम तुम क्या लगता है रे अच्छा जाइए तो जाओ जाइए ना हम लोग इंतजार करता हूँ कैसी कहानी जाके जाकर कहना हो की मंडली को सरदार राज महबे में बुलाए हैं जैसा आज्ञा हमारा जल्द जाइए जाओ ए, कह देना होगा कि खुशी समाचार है खुशी समाचार है राज महबे आपको काथिन की कौची खुशी समाचार है भैंस भी आया है कि बकरी तो कौन जवाब देनी बताइए ना जी इतना कह देना कि खुशी समाचार है अच्छा बाद में बात कहूँगा हाँ जाओ ठीक है जाओ आज राज बनारस में हेलो ताला सेठ के दरबार में सुंदर नाचने गाने वाली नर्तकी बुला कर लाओ जैसा आज्ञा है महाराज दरबार में नृत्य कराओ ठीक है महाराज झटके में चाहिए झटके में बुला कर लाओ रही जाओ ठीक है सरकार अच्छा पंडित जी
अशोक बेटा तू गेलो तो हो गलो बेटा के ब्याह, और पंडित जी झगड़ा लगा दो जाके कृष्णा विवाह में राज महप्पा चल रहा है। हाँ महाराज ठीक है चलो चलिए महाराज। सलाम सरकार सलाम सरकार। चाचा जी को प्रणाम। खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटी। अल्लाह रुदल मलखा देवा सुनाओ बेटा जी सुन ल हमारी दिल के बात। आहो कैसा न कुशलिया बेटा जी नगर मुहुआ गे। आहो कैसा न कुशलिया हो दुलरा नगर मुहुआ गे। आहो जगरा बहाल बीरवा दे दहो बतलाई। आहो कैसा न कुशलिया नगर मुहुआ कुशल नगर हुआ का है। कैसा कुशल भैया वीर परिवार सिंह का है मैं जानना चाहता हूं। चलिए बेटा भी बन को ठीक है लेकिन कहा समाचार कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं तो यहाँ पर आज राज दरबार बनारस में नृत्य कला कर रहा था उसी समय तेरा द्वारपाल पहुंचा और कहा कि इस समय राज्य में बात चलिए आपका बुलाता है तो मैं आया हूँ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बुलाने का क्या कारण है। चलिए।